हाल के दिनों में झारखंड सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े भवनों को नए भवन में तब्दील करने का प्रयास जारी है। छोटे कार्यालयों से लेकर बड़े कार्यालयों तक निर्माण अभी की सरकार में जारी है। कई कार्यालय नए भवन में कार्यालय को शिफ्ट भी कर सकते हैं। ऐसा ही एक भवन है हजारीबाग का प्रखंड सह अंचल कार्यालय। ये भवन 3 पार्ट में बनाया गया है जिन्हें स्टील की पट्टियां देकर ढकने का प्रयास किया गया, जबकि इनमें रबर का प्रयोग होना चाहिए था ताकि यहां से भी जल रिसाव ना हो। इस नए भवन में पहली बरसात में क्या स्थिति है इसे आप देख सकते हैं। लगता है कि जो सरकार की जो योजना है, जो लगभग 3.75 करोड़ का जो बिल्डिंग बना हुआ है और हम लोग यहाँ जनता इतना परेशान जूझ रहा है कि पानी बरसात में चू रहा है। वास्तव में लगता है कि काम जो ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर या डीसी महोदय या जिनके माध्यम से काम हुआ वो खराब है, दयनीय स्थिति में है और पानी चू रहा है, जिससे आम पब्लिक यहाँ मान लीजिए सदर प्रखंड में 25 पंचायतें हैं, नगर में 36 वार्ड हैं, इतने लोग यहाँ जमवाड़ा होता है और हर प्रखंड हर जिला से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन ये महसूस नहीं होता कि सरकार की जो ये पैसा जो लगा है इससे स्पष्ट होता कि ये बेकार। जब रिसीव किया था तो संबंधित विभाग विशेषकर हजारीबाग के द्वारा ये लिखित दिया गया है कि जो भी कार्य है जो गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया गया है उन का स्पष्ट किया गया। क्या नॉर्म्स में कुछ ऐसा भी है कि आपको इतने दिन तक मेंटेनेंस करना है या फिर कुछ गड़बड़ हुआ तो उसे ठीक करवाना है? ये तो रहता ही है, उसकी डिटेल जानते हैं। आपने इस संबंध में आवेदन अब तक किसी को दिया है कि मेरे यहाँ ये शिकायत है? मैंने बात की हुई है और लिखा हुआ है। हजारीबाग से संघ प्रिय वशिष्ठ की रिपोर्ट।